छत्तीसगढ़ में चुनावी साल होने की वजह से राजनीतिक पार्टियों में खुली बहस और चुनौती देने का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां कांग्रेस को खुली बहस करने की चुनौती दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर कम ही समय बचा है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में मुद्दों को लेकर बहस का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां आरोप पत्र के माध्यम से सरकार को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी का काला चिट्ठा जारी किया है। इन सब के बीच अब कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी के आरोप पत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे लेकर खुली बहस करने की चुनौती दे दी है। ऐसा है, हम सीरियस हैं या नहीं है ये अलग विषय है। मैंने उन सबके बयान पढ़े, उसके बिंदु पर बहस करने के लिए कांग्रेस तैयार है क्या? मुख्यमंत्री जी तैयार है क्या? सीधे साहब तैयार है क्या? या कोई उस स्तर का शैलजा जी तैयार है क्या उसमें बहस के लिए? ये बात बताएं, बिंदुवार उसमें बहस कर लें। हम दोनों बहस के लिए तैयार हैं। उनके जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के प्रतिशत पर बहस हो जाए और हमारे आरोप पत्र पर बहस हो जाए, खुला बहस। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए कवासी लखमा ने भी बीजेपी को चुनौती दी है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि मैं कांग्रेस के विरोध में उनके लिए चुनाव प्रचार भी करूंगा, पर वो राज्यपाल के पास चले और आरक्षण के मुद्दे पर बात करें। मैं भी अजय चंद्राकर को खुला चुनौती देता हूं, कल अजय चंद्राकर मेरे साथ राज्यपाल चले, मैं जाने के लिए तैयार हूं। पूरा पिछड़ा वर्ग आदिवासियों एक साथ उसके साथ उसको भो के ले जाएंगे। अजय चंद्राकर तैयार होगा, पैदल नहीं जाए, पालकी ढूंढूंगा। जो आदिवासी का 32%, मैं आदिवासी से बाप से पैदा हुआ हूँ, कौम से पैदा हुआ, 32% रुका है को मेरे को बहुत दिल है, दुख रहा है। वो भी पिछड़ा वर्ग से पैदा हुआ है, 36% अगर दर्द है तो साथ में चले। चुनाव के दौर में एक दूसरे पर खुली बहस की चुनौती कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी चुनाव के वक्त खुली बहस की चुनौती राजनीतिक पार्टियां अपने विपक्षी पार्टी को देती नजर आती रही हैं। पहले जहां बीजेपी के आरोप पत्र और कांग्रेस की ओर से बीजेपी के काला चिट्ठा को लेकर चर्चा हो रही थी, तो अब खुली चुनौती पर सियासी संग्राम देखा जा रहा है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया। दुर्ग की